तो उतर गए अम्बोली घाट। घाट सेक्शन खत्म हो गया। तो अभी भी चल रहे NH 548H में। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे हमारा अम्बोली घाट से हैदराबाद का जो जर्नी है वो हम दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी। अभी अम्बोली घाट में थोड़ा शॉर्ट स्ट्रेचिंग के लिए रुके हैं। ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ हमारा रूट हम कैसे जा रहे हैं। तो हम अभी पहुँचे अजरा। अजरा है एरिया का नाम। स्टिल ऑन NH 548H। बारिश की वजह से रोड्स तो बहुत डैमेज है अम्बोली घाट के बाद। तो अम्बोली घाट के बाद हमको गौसा अजरा एक गांव मिले हैं बीच में। तो अभी हम अम्बोली घाट उस स्ट्रेच पूरा कवर करके बाहर आ गए हैं। अभी NH 48 पे रुक गए। तो इसी में हमको अभी सांगली पंडारपुर उसके बाद सोलापुर आएगा। ठीक है चलो निकलते हैं अभी NH 48 पे। तो अम्बोली घाट का रोड तो बहुत हेवीली डैमेज्ड है। बेटर वी अवॉइड दिस रोड फॉर नाउ। बट सिंगल लेन है पूरा। NH 66 से हम राइट लिए थे अम्बोली घाट को। तो वहाँ से यहाँ तक जो रोड है वो पूरा सिंगल लेन है और अराउंड अराउंड 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और हमको लगा है अराउंड 3 आवर्स का टाइम। तो गूगल ने अभी NH 48 से उतार दिया है। अभी स्टेट हाईवे 97। तो गूगल हमको अंदर के रोड से लेके जा रहा है। देखना पड़ेगा कैसा है रोड। जाएगा बस से जाएगा। किधर जाना है आप? अभी मैं सांगली। सांगली जाने वाले क्या? रोड से जाना सीधा उधर जाके टर्न मारे था ज्यादा निपनी चिकोड़ रोड हवे लगता है। हवे से ज्यादा चिकोड़ी चिकोड़ी तो मेरे से चिकोड़ी। तो लोकल से हमने बात किया तो ये रोड हमको निपनी से जो हाईवे आता है उसको टच होता है तो जाएंगे। मगर रोड तो बहुत सुनसान है। अगर रात में आ रहे तो ये रोड अवॉइड करना अच्छा है क्योंकि कुछ गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुश्किल है। कोई भी नहीं इंसान, एक दो गाड़ी आ रहे हैं बस। बहुत सुनसान सा रोड है तो देखेंगे कैसा है। एक्चुअली NH 48 में जाना ही अच्छा है रात में। डे टाइम पे तो ठीक है। तो पहुंच गए निपनी से जो हाईवे आ रहा है NH 48 से जो राइट लेते हैं वहाँ से ये रोड है। तो अभी ये रोड पे शायद अच्छा होगा। ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे 18 है। तो ये रोड हमको जाके चिकोड़ी तक यही है स्टेट हाईवे 18। तो चिकोड़ी में हम 160 में मर्ज होंगे। Thank you.
तो हम अभी चिकोड़ी पहुंच गए हैं। सो यहाँ से हम NH 160 में एंटर हो जाएंगे। तो NH 160 में हम कंटिन्यू करेंगे टिल सांगली। तो सांगली कवर करने के बाद हम अभी पहुंचने वाले संगोला। यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है। तो संगोला में हम NH 166 में एंटर हो जाएंगे। 160 खत्म हो जाएगा। तो अभी भी सोलापुर हमको 168 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से सांगली के बाद। तो अभी सांगोला 17 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से और सोलापुर का डिस्टेंस है 105 किलोमीटर। तो और एक दो घंटा लगेगा सोलापुर पहुँचते। फाइनली सोलापुर पहुँच गए। सो अभी फाइनली NH 65 चढ़ने वाले हैं। सामने जो दिख रहा है वही है NH 65। तो अभी राइट लेके चढ़ जाएंगे। तो अभी हम है NH 65 पे। तो इसी में हमको अराउंड 290 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी। तो एटलीस्ट 5.5 आवर्स लगेगा इसमें। तो बीच में अगर थक गए तो थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, सो जाएंगे एक दो घंटा। अभी पहुंच गए पुलवाड़ी टोल प्लाजा NH 65 पे। तो अभी ये क्रॉस करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी। पोलो ट्रेवल्स, ये भी हमारे गोवा से आ रहा है। बीच में बहुत सारा स्ट्रेच रोड बहुत खराब है। ये शायद नलदुर्ग कुछ एरिया है। रोड तो बहुत ही ख़राब है उधर। अभी थोड़ा 1-2 आवर्स सो के फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी। गाड़ी रोकने का प्लेस अच्छा देखेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अच्छा 3 घंटे सो गए थे, अभी बज रहे 6:30। तो अभी कंटिन्यू करेंगे जर्नी हैदराबाद के लिए। ज़हीराबाद तक ड्राइव किया था रात में। उसके बाद तेलंगाना एंटर होते ही एक प्लेस ढूंढ के वहाँ पार्क करके अच्छा सो गए थे 3 घंटे। तो अभी यहाँ से 150 कुछ है किलोमीटर्स। तो और एक 2.5-3 आवर्स में पहुँच जाएंगे घर। चलिए अब अच्छा सनराइज एंजॉय करते करते जाएंगे। फाइनली NH 65 कंप्लीट हो गया। अभी नेहरू ओरा पे 1:30। उसके बाद तो ये ट्रिप हमने हमारा नया ब्रेजा में किया है।
तो ओवरऑल हमको 16.9 का माइलेज दिया है नया ब्रेजा ने। सो एट लास्ट हमारा गोवा का ट्रिप ख़त्म हो गया, आ गए हम घर पे हैदराबाद। तो ये ट्रिप का रिटर्न ट्रिप हमने अम्बोली घाट सांगली सोलापुर हैदराबाद किया है, जस्ट देखने के लिए कैसा है। अम्बोली घाट भी एंजॉय किया, रोड्स थोड़े अच्छे नहीं हैं अम्बोली घाट तक जाने का, उसके बाद का रोड्स तो बहुत डैमेज्ड हैं रेंज के वजह से, और सिंगल लेन रोड है, अराउंड 200+ किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, तो उसमें ही टाइम लग गया। सांगली से सोलापुर तक 166 है NH, उसके बाद NH 65 है हैदराबाद तक। रोड्स तो अच्छा है, तो यहाँ ये रूट में जल्दी आ गया, तो टोटल हमको अराउंड 18 आवर्स का टाइम लग गया। पूरे ट्रिप का अराउंड 1600 किलोमीटर्स हो गया आने जाने में। मैं ये रूट का ये डिस्क्रिप्शन और मैप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे। से चीज बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.